संविधान में हमें बताया जाता है कि हर कोई बराबर है, राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन नेताओं की जमात और आम आदमी में बहुत सारी दूरियां हैं और ये लाल बत्ती कहीं ना कहीं उसी स्टेटस सिंबल और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ एक सिंबल बनकर रह गया है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सुधांशु मित्तल जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, साथ ही साथ सुभाष कश्यप जी, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है जाने माने, राजीव त्यागी जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और अभय सिंह, वो शख्स जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका डाली थी जिसके बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया है। अभय जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ नेताओं की जमात को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि आपको लगता है कि आम आदमी को कहीं ना कहीं जो आम आदमी और नेताओं की जमात में दूरियां हैं उसको कम करता है और जो लाल बत्ती जिसका प्रतीक बन गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब इस वीआईपी सुरक्षा और लाल बत्ती के दुरुपयोग की सुनवाई जब शुरू हुई तो उसमें एक प्रसंग ये आया कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों के या ब्रिटिश क्राउन के प्रतीक के तौर पर कई पदवियां दी जाती थी, कई सिंबल दिए जाते थे। उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें आर्टिकल 18 के तहत जो है वो सारे टाइटल खत्म कर दिए गए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिया हुआ है कि स्टेटस ऑफ द एवरी सिटीजन इज इक्वल। और इसके अलावा लेकिन वो इक्वालिटी सिर्फ कानून की किताबों में है, जमीन पर नहीं है, जहां पर लाल बत्ती और सत्ता का नशा इतना ज्यादा होता है। राजीव जी, आपने तो बहुत साल, कांग्रेस ने तो बहुत साल राज किया है, आपको नहीं लगता कांग्रेस सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस लाल बत्ती कल्चर के लिए? देखिए, जिस तरह से समय रोज बदलता है, इसी तरह से पॉलिटिकल लोगों को, समाज के अग्रणी लोगों को, समाज के पुरोधाओं को, समाज के हिसाब से, लोग जन भावनाओं के हिसाब से अपने को बदलना चाहिए और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे समाज को हम नई दिशा दे सके। कांग्रेस ने मेरा, अपने मेरा, नहीं बदला और उदाहरण मेरा, प्रस्तुत मेरा, नहीं मेरा, किया, इसका मतलब ये निकाला जाए? मेरा मानना ये है इसमें, देखिए कि सोनिया गांधी जी ने जब ये पार्लियामेंट में भी बात उठी थी कि एमपीज को लाल बत्ती मिलनी चाहिए, कुछ एमपीज की ऐसी राय थी अक्रॉस दी पार्टी लाइन, सभी पार्टियों के एमपीज की कुछ की राय थी, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी जी ने स्पेशली इसमें कहा कि हम लोगों को लाल बत्ती की परवाह नहीं करनी चाहिए, नीली बत्ती की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें मिले ना मिले, हम लोगों को जनता के बीच में रहकर लोगों के काम करने चाहिए। और उसी मद्देनजर हम तो ये मानते हैं इसमें कि देखिए, पॉलिटिकल आदमी जब इस क्लास में चला जाता है कि हम लोग बाग नीति निर्धारक हो गए, इसमें न जाकर जवाब नहीं दिया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए अचल जी, 5 साल के लिए जनता केयर टेकर बना करके भेजती है एमएलए एमपी बना करके, हम लोग बाग केयर टेकर रहे 5 साल तक वो बेहतर है, उसमें लाल बत्ती का तो प्रश्न नहीं, ये उठता ही नहीं कि लाल बत्ती चाहिए नहीं चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि लाल बत्ती हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अच्छे केयर टेकर हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तो वैसे ही आप बताने में महारत है। सुभाष कश्यप जी के पास भी चलते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से परिभाषित किया है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को, उन्होंने कहा जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, गवर्नर हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ये लिस्ट जो है राज्य सरकारों की अलग है, केंद्र सरकार की अलग है, तो ये कैसे सर पूरा का पूरा रैशनलाइज होगा, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी आखिरकार कौन होता है? लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत है, हम सुभाष कश्यप जी के पास फिर से आएंगे, तब तक गुजारिश करेंगे कि वहां पे ऑडियो दुरुस्त हो सके। राजीव जी, एक बात बताइए, वो नेता ही क्या नेता जिसके पास लाल बत्ती ना हो? देखिए, मैं विगत 13 साल से राजनीति, कैसे हम फर्क करेंगे कि कोई नेता है, हमें तो लगता है यही सिंबल है, लाल बत्ती है, सारा ट्रैफिक रुक जाएगा, हम बेचारी आम जनता ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी रहेंगे, इंतजार करेंगे कब वीआईपी जी की गाड़ी निकल जाए। देखिए, अब क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, मेरा ये मानना है इसमें कि ये जो लाल बत्ती और नीली बत्ती और पीली बत्ती है, इसकी राजनीति में मुझे तो लगता नहीं कहीं को जरूरत है। और अब मैं आज अगर इस बात को कह रहा हूँ आंचल जी, तो पिछले 13 साल से हम लोगों ने मैंने व्यक्तिगत रूप से इस तरह का जीवन जिया है और आगे भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह का जीवन जीते हुए देखेंगे मुझे आप। मैं मानता हूँ कि राजनीति में बिल्कुल सिंपल तरीके से जीना चाहिए और हम लोगों को ये मानना चाहिए कि हम आम आदमी की सरकार के, आम लोगों की सरकार के, किसानों के, गरीबों की सरकार के, मिडिल क्लास की सरकार के हम लोग बाग निश्चित रूप से केयर टेकर है, इसके अलावा कुछ नहीं है हम लोग बाग। और 5 साल हम लोग बाग करें, अपनी नीतियां अच्छी तरह से ला करके लोगों के हित में कार्य करें, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत लाल बत्ती और नीली बत्ती के।
चलिए, आपने तो कह दिया कि केयर टेकर की तरह पेश आना चाहिए। हमारे साथ सुधांशु जी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी से एक सवाल पूछ रहे थे, फिर लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुधांशु जी एक बात बताइए कि जिस तरह मैंने राजीव जी से भी पूछा, वो नेता ही क्या नेता जिसके पास लाल बत्ती ना हो? अब हम कैसे फर्क करेगी आम जनता की भाई वो नेता कौन सा होगा जब तक ट्रैफिक नहीं रुकेगा, लाल बत्ती नहीं चलेगी? और एक सवाल और, क्या आप इसके लिए जो लाल बत्ती कल्चर है खास तौर से, क्योंकि कांग्रेस ने ज्यादा समय तक राज किया, आप इसके लिए कांग्रेस को ब्लेम करते हैं? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं वो मेरी व्यक्तिगत राय होगी, उसका किसी राजनीतिक भाजपा से कोई संबंध नहीं है। मुझे भाजपा की राय इसमें क्या नहीं पता। अच्छा, मैं थोड़ा शुद्ध ये हूं कि ये विषय क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विषय है कि नहीं है। मैं कुछ चीजों के बारे में क्लासिकल, जिसको कहते हैं ना गवर्नेंस, क्लासिकल लॉ, उसके हिसाब से ये कि लॉ की, कानून की परिधि जो है उसी के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। हम बता, मैं खासतौर से जो शुद्ध हूं वो इस बात से हूं कि एक निर्देश जारी करा गया है कि कानून का 3 महीने के अंदर संशोधन करा जाएगा और राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया है। मैं इसको बहुत ही एक खतरनाक प्रवृत्ति मानता हूं। देखिए, लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट सुप्रीम है कानून बनाने के लिए। कानून क्या बनेगा और कब बनेगा और क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये काम लेजिस्लेशन का और पार्लियामेंट का है। उनको कोई ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि फला फला तारीख तक, यानी कि सुधांशु जी इस तरीके का बनाना पड़ेगा, यानी कि सुधांशु जी जो आम जनता और नेताओं में फर्क है, लाल बत्तियां जो लगी हुई हैं, जो कि परिचायक है इस बात का कि दोनों में फर्क है, राइट टू इक्वालिटी इस देश में ना हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ये देने की कोशिश की है, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देनी चाहिए थी? नहीं, हम एक चीज बताना चाहते हैं। मेरा पहला तो फैसले के मेरिट और डीमेरिट पे तो मैं बाद में जाऊंगा। मैंने तो फंडामेंटल पहले ये कहा कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सुभाष जी बैठे हुए कानून के जानकार बहुत हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछिए। चलिए, सुभाष जी के पास ही चलते हैं, हमारे साथ उनसे ज्यादा संविधान को, जिन्होंने इतनी किताबें लिखी है संविधान के ऊपर, दे सकती है कि फला फला तारीख तक आप ये कानून बनाइए। चलिए, हम अच्छा, आप अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो याचिका करता है बता दीजिए। सुधांशु मित्तल जी जो कह रहे हैं उस संबंध में ऑलरेडी कानून बना हुआ है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल की सेक्शन 108 में ये दिया हुआ है कि लाल बत्ती सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी एक्सेप्ट द हाई डिग्निटरीज। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अतिरिक्त कानून नहीं बनाया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ ये कहा है कि हाई डिग्निटरीज का मतलब ये है कि पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जुडिशियरी के हेड के तौर पर चीफ जस्टिस, लेजिस्लेटिव के हेड के तौर पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तहत गवर्नर। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो हाई डिग्निटरीज वर्ड है मोटर व्हीकल रूल में, उसके तहत जो पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनको दिया जाए, न कि उसका जो विस्तार होता जा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष, कोऑपरेटिव अध्यक्ष, जो हर कोई अपने आप को हाई डिग्निटरी बनना चाहता है, हर कोई उस लिस्ट में है, चाहे वो पंचायत का हो चाहे कॉर्पोरेटर हो, हर एक को लाल बत्ती चाहिए। सुभाष कश्यप जी ये जानना चाहेंगे, सुधांशु जी ने बोला कि मेरिट डीमेरिट पे बाद में आऊंगा, लेकिन प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उनका ये है कि कोर्ट को दखल ही नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अभय जी का कहना है कि वो सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट कर रहे हैं, कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लेकिन इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नेता इस्तेमाल करते हैं। कानून बनाने की बात आप गलत कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने यही बोला है कि वो ये डायरेक्शन दे सकती है कि कानून बनाएंगे। सुभाष कश्यप जी जवाब दें सुधांशु जी का। क्या वो ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप कानून का संशोधन फला फला तारीख तक करिएगा? मेरा सिर्फ ये पूछना है, सुभाष जी से पूछिए। ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे भी भावना यही है कि ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसे रूल्स बनाए जाए जिसके अंतर्गत ये लाल बत्ती का इस्तेमाल, सिक्योरिटी गार्ड्स का इस्तेमाल ये सीमित हो। अभी कोई उसकी लिमिट नहीं रही है, ये स्टेटस सिंबल हो गया है, वो नहीं होना चाहिए, और कम से कम लोगों को ये लाल बत्ती का प्रावधान
होना चाहिए, लेकिन किन किन को होना चाहिए इसका निर्णय को करना चाहिए, इसका निर्णय संसद को करना चाहिए। वो तो उन्होंने सरकार पर ही छोड़ा, अबे जी मैं गलत तो नहीं हूँ, सरकार पर ही छोड़ा ना कि लिस्ट प्रून करके 3 महीने के अंदर अंदर ड्रॉप की जाए। कोर्ट ने सिर्फ ये मियाद तय की है कि लिस्ट दोबारा बनाई जाए। नहीं, कोर्ट का ये कहना है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल की सेक्शन 108 के तहत जो पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनको हाई डिग्निटरीज कहा जा सकता है, अब जैसे ग्राम प्रधान को हाई डिग्निटरीज नहीं कहा जा सकता है, जिला पंचायत अध्यक्ष को हाई डिग्निटरीज नहीं कहा जा सकता है, हाई डिग्निटरीज को खाली सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, कोई अतिरिक्त लॉ नहीं बनाया है। ये गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई नया कानून बनाने के लिए कहा है, सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है। गलत व्याख्या हो रही है सुधांशु जी, यहाँ पर अभय जी कह रहे हैं ये नहीं कहा है कोर्ट ने, कृपया इसको एक परिपेक्ष में देखिए। और वैसे भी आपसे ये सवाल है कि नेताओं को ऐसा क्या सत्ता का नशा है, क्यों लाल बत्ती चाहिए, अगर आप बता सकते तो कहा है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे को सुधांशु जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय कानून बनाने के लिए कह सकता है, कानून बना नहीं सकता। नहीं नहीं, बना नहीं रहा है कानून, कार्य सुभाष कश्यप जी, कानून नहीं बना है, कानून एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जीक्यूशन को लेकर एक डेडलाइन दी गई है कि लिस्ट प्रून की जाए, जो कि वीवीआईपी कि लिस्ट जो है बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दी जाती है, हर कोई हाई डिग्निटरी है, कई राज्यों में पंचायत के पंचायत प्रमुख भी लाल बत्ती इस्तेमाल करता है। कानून में संशोधन करने की निर्देश देने का मतलब क्या होता है? ऐसा आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि हाई डिग्निटरीज को डिफाइन किया जाए। सुधांशु जी, अब आप टेक्निकलिटीज में मामला फंसा रहे हैं, बहुत देर तक फंस गए। आप ये बताइए कि नेताओं की जमात को लाल बत्ती आखिरकार क्यों चाहिए, एक बात बताइए। संविधान हम सबके लिए बराबर है, संविधान हमें सिखाता है कि ऑल आर इक्वल, व्हाई आर सम पीपल मोर इक्वल देन अदर्स, जो जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म में कहा था, क्यों कुछ लोग जो हैं एक सिंहासन पर बैठकर राज करना चाहते, क्यों उनको लाल बत्ती चाहिए, सत्ता का नशा क्यों है इतना? मुख्य यही सवाल है। देखिए, जजेस जजेस की कैटेगरी में भी लाल बत्ती की डिमांड होती है, जजेस को भी कोई लाल बत्ती तो ये नहीं समझ आया कि इस पर नेता बार बार, एक सेकंड, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, देखिए सिर्फ पॉलिटिकल लोग, उनके जवाब होने दीजिए फिर राजीव जी। अब मैं कह दूं जरा आंचल जी, हाँ बिल्कुल, ये जो बार बार नेताओं को इसमें जो है बदनाम करने की बात हो रही है, मैं कुछ जानना चाहता हूं, ये नेता जो नेता शब्द कहा जा रहा है, डीएम, एडिशनल डीएम, हर प्रशासनिक अधिकारी, हर पुलिस अधिकारी, हर व्यवस्था का अधिकारी, उन सबको लाल बत्ती ठीक है, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, उनको ठीक नहीं है, उनकी भी लाल बत्ती हटेगी। मेरा कह रहा है क्यों जजेस को होनी चाहिए, क्यों किसी को होनी चाहिए, जब कानून में सारे बराबर हैं। सुधांशु जी, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने सभी की लाल बत्ती हटाने के लिए कहा है, ये मत बोलिए कि सिर्फ नेता, फिर तो किसी भी, क्यों संवैधानिक प्राधिकारी क्या होते हैं? नहीं दीजिए, क्यों देना चाहिए, लॉजिक क्या है? तो कह रहा हूँ कि व्हाई फॉर एनीबॉडी, व्हाई एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, लेट इट बी फॉर एवरीबॉडी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का क्या आ गया? राजीव जी आप कुछ मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब सारे बराबर है, चाहता हूं जो जब सारे बराबर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में कैसी खास बात है? जो सुभाष कच्छप जी ने अभी कहा कि उसमें जजेस भी परिधि में आते हैं, शायद जो अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट की बात की है अपने वकील साहब ने, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को शायद अलाउ है लाल बत्ती, बाकी और जजेस को नहीं है, नहीं है जजेस को नहीं है। देखिए ये निकल के आई ना बात, जजेस को नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पॉलिटिकल व्यक्ति जो है निश्चित रूप से सॉफ्ट टारगेट होता है, क्योंकि वो हमेशा दिखता है, हमेशा वो कार्य करता हुआ दिखता है। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव कार्य, बहुत सारे लोग नेगेटिव कार्य करते हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है अति से सबको बचना चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को भी बचना चाहिए, अधिकारी को भी बचना चाहिए, और जो लोग बाग लाल बत्ती का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी बचना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात कही, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जैसे मेरी जानकारी है, बंगाल में जिला पंचायत अध्यक्ष डीएम की सीआर लिखते हैं, ठीक है, उसको इतना पावर है कि वो डीएम की सीआर, पंचायत प्रमुख भी है, देखिए पंचायत प्रमुख है वो, और पंचायत प्रमुख का मतलब ये है कि वो चुने हुए इलेक्टेड, जो पंचायत स्तर सबसे नीचे स्तर हमारे पंचायत में, राजीव जी और या तो आप स्टैंड लीजिए, आप जस्टिफाई कर रहे हैं लाल बत्ती को, तो जस्टिफाई नहीं कर रहा, चोट पर कहिए, नहीं नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पे एक ऐसी परिभाषा होनी चाहिए कि निश्चित रूप से संसद को अधिकार है अपने नियम बनाने का,
तो जो सुधांशु जी ने बात कही है कि नियम बनाने की जो बात कही है, वो संसद बनाए नियम और संसद बताए कि हम लोग कौन कौन ग्लोबा का थ्राइज हैं, और उसके बाद निश्चित रूप से पूरे देश में इसकी वर्जना होनी चाहिए। हम लोग वर्जना में चले जाए, अगर एमएलए एमपी को अलाउ नहीं है तो उनको नहीं लगानी चाहिए लाल बत्ती। नहीं, 60 साल से ज्यादा हो गए अभी तक ये इस बात को लेकर चर्चा करवाएंगे फिर से लाल बत्ती हो या ना हो, ये बड़ा अटपटा है। सुधांशु जी एक बात बताइए, कोर्ट का फैसला आया, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि बहुत अच्छा फैसला है, बल्कि मैं तो अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटा दूंगा, लेकिन ये नाखुशी क्यों मुझे राजीव जी के अंदर दिख रही है, आपके अंदर दिख रही है? नहीं 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 नहीं, आंचल जी, आप क्यों नहीं स्टैंड लेते हैं? कांग्रेस पार्टी का टोटल स्टैंड है कि हम लोग बाग लाल बत्ती नीली बत्ती पीली बत्ती में जा ही नहीं रहे हम लोग बाग बिल्कुल। अच्छा चलिए, हम मानते हैं इस चीज को बिल्कुल भी, हम ये मानते हैं कि हम लोग बाग जनसेवा के लिए, हमें जनसेवक के रूप में रहना चाहिए, जलेबी की तरह घुमा रहे थे। सुधांशु जी आप भी जवाब दे दीजिए कि जब उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके वेलकम कर सकते हैं, उनका कहना है मैं अपनी गाड़ियों से हटवा दूंगा, जो कि सीएम है, थ्रेट परसेप्शन है जम्मू कश्मीर में, फिर इस तरह का बयान वक्तव्य आपकी ओर से क्यों नहीं आ रहा है? आंचल जी, मैंने आपसे कह रहा हूं कि बत्ती क्यों किसी की, सबकी हटाइए ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात करें तो क्या बाकी सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं? ये जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन क्रिएट करी गई है कि ये तो नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, देयर ऑल लीगल अथॉरिटीज एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लीगल अथॉरिटी एंड अ नॉन लीगल अथॉरिटी। लेकिन ये भी कानून आप ही ने तो बनाया है, ये भी तो संसद का ही वो मोटर व्हीकल एक्ट के कानून की जो बात कर रहे हैं, हाई डिग्निटी की बात है, किसी को भी बत्ती का कोई हक नहीं है, ये इमरजेंसी। सुनिए सुनिए अबे जी, आपका जवाब दे दे क्योंकि तथ्य में थोड़ी सी गड़बड़ है। अबे जी जवाब दे, ये वो कानून इंडिकन है, न्यायालय ने किसी नए, भाई आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहिए उसको कहना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल की 108 में हाई डिग्निटरीज वर्ड दिया गया है, भाई वो कहिए कानून इलीगल है, अगर कानून के अंदर एक प्रावधान है जो कि सही नहीं है आप कहिए गलत है, आप थोड़ी डिफाइन करेंगे कि कानून का प्रावधान क्या होगा, ये तो अदालतों का काम है इंटरप्रेट करना कि कानून क्या है। सुभाष कश्यप जी एक बात बताइए, मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से ही कह रहे हैं जिस तरह से अभिजीत जो याचिका करता है प्रावधान था, अगर अदालत इंटरप्रेट कर रही है और कह रही है कि सरकारों की इंटरप्रिटेशन गलत है, हर कोई हाई डिग्नेटरी बन जाता है जिसको लाल बत्ती चाहिए। हाई डिग्नेटरीज के तहत क्या ग्राम प्रधान को लाया जाएगा, प्रमुख को लाया जाएगा, किसको लाया जाएगा, यह सवाल है। इसी लिस्ट को सीमित करने की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। अच्छा सुभाष कश्यप जी एक बात बताइए, क्या अदालत इंटरप्रेट कर सकती है नहीं कर सकती है हाई डिग्निटरीज को जिस तरह से शब्द मोटर व्हीकल्स एक्ट में इस्तेमाल किया गया है? तो हाई डिग्निटरी को पार्लियामेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया जाना चाहिए, ये अच्छी तरह से परिभाषित परिसीमित होना चाहिए। अगर अगर और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मेरे ख्याल से कदापि भी लाल बत्ती की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। अगर अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लाल बत्ती देंगे तो डिस्ट्रिक्ट प्रधान को भी देना जरूरी होगा, उसके लिए मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए मना कर दिया है, लेकिन सुधांशु मित्तल जी ने यहाँ पे सवाल उठाया और आपसे जवाब चाहेंगे, उनका कहना है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को भी क्यों मिले, सभी से लाल बत्ती छीन लेनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए अथॉरिटी सब कॉन्स्टिट्यूशनल ही होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैसे हो सकती है? अथॉरिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही जो जिसको अलाउ करे, पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हाई डिग्निटरीज कैसे हो जाएगी, यही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, राजीव जी बस एक लाइन का वक्त रह गया, बिल्कुल क्लोजिंग। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आचल जी लास्ट में, कानून बनाने का कार्य संसद का है, संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो उनका करने का कॉन्स्टिट्यूशन से उनको राय, वो उनको दिया गया अधिकार दिया गया है। लेकिन हम लोगों को, जन नेताओं को निश्चित रूप से लाल बत्ती नीली बत्ती के मामले में बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है, क्रेजी नहीं होना चाहिए। चलिए आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका में ओबामा की तस्वीरें दिखती हैं, किस तरह से अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइव करके निकल जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाते हैं, लेकिन क्यों हमारे देश में ऐसा है कि हम सबको बराबरी का अधिकार जरूर दिया गया है लेकिन सिर्फ कानून की किताब में, संविधान की किताब में, और जब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है तब भी नेताओं की जमात का क्या रिएक्शन है वो आपने देख लिया। खबरों का सिलसिला जारी है, तुरंत लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।